सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन है ये। ठीक है, रिएक्शन है एंड राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या है ये? रहा है राइमर टीमन अभिक्रिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, और बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो आप मेहनत में लग जाइए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत बढ़िया है, बहुत ईजी वे में आपको इसको समझाने वाले हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे नहीं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और हमने अपने चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, बहुत ही सारे। तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। केमिस्ट्री फिजिक्स के सबके वीडियो मिलेंगे आपको, वहाँ जाके देखें। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत बहुत क्वेश्चन डाले हैं इंपॉर्टेंट, तो आप उनको जरूर देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करें कि वीडियो आपको लास्ट में थोड़ा सा ही पसंद है, अभी नहीं बोल रहे हैं, देखिए लास्ट में अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आए तो। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोल क्या रहा है कि राइमर टीमन अभिक्रिया जब फिनॉल, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब फिनॉल की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। उसका क्या करा है, से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सेल्सेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए उसने फिनॉल बोला है, अब देखिए एक चीज़ देखिएगा, ये C6 हम रेड पेन का यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप मत कीजिएगा, ठीक है। C6, अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, C6H5OH ये होता है हमारा फिनॉल, लेकिन फिनॉल होता है इतना जो होता है इतना, ये होता है बेंजीन और OH होता है उस पर लगा हुआ होता है, हम आपको बताएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर होता है, या तो आप इसको भी ले सकते हैं या फिर आप इसको भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी हमारा क्या होता है, इस पर OH होता है, ये भी होता है हमारा फिनॉल। तो हम आपको करके बताते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोला है कि जब फिनॉल की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किससे कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म से। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको करते हैं, देखिए ये फिनॉल हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखते जाइए, ये हो जाएगा हमारा फिनॉल, ठीक है, आप थोड़ा सही से बनाइएगा, ये फिनॉल हो जाएगा हमारा। कह रहे कि फिनॉल की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। देखिए प्लस CHCl3 ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो प्लस NaOH। अब देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, जिसे आप नमक भी, ठीक है, Na किसका होता है, NaOH, ठीक है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। अभी हम बताएंगे आपको इसको आगे बढ़ाते हुए। अब देखिए जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन आप इसकी जब कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइएगा, एक भी स्टेप मिस किया तो आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारे पास फिनॉल, देखिए ये इसको थोड़ा कट कर दीजिएगा, ये हो गया हमारे पास फिनॉल। अब देखिए CHO, अब इसके यहाँ इस पोजीशन पर रहेगा CHO, जिसे बोलते हैं हैल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। CHO हमारा ये आ गया, अब देखिए CHO ये आ गया हमारा यहाँ पे, बचा क्या Cl3 और Na एंड H, H तो यहाँ पे आ गया, अब ये बचा क्या हमारे पास, प्लस NaCl, ये हमारे पास बचा, ठीक है, NaCl यही तो बचा हमारे पास। अब देखिए NaCl, देखिए यहाँ पे देखिए Na तो ठीक था एक है, लेकिन Cl कितने थे, तीन थे गाइस। अब हमें संतुलित भी तो करना होगा, इसको संतुलित भी तो कीजिए, और प्लस H2O बचेगा ना, H2, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे Na कितने थे, एक था, तो Na एक है, लेकिन Cl कितने थे, तीन थे, तो Cl कितने हो गए, तीन, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 3 Cl। अब यहाँ पे 3 Na हो गए, तो इधर 3 Na नहीं है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3, संतुलित भी तो करनी पड़ेगी ना हमें, दिक्कत तो वो है। अब देखिए इधर H कितने हो गए थे हमारे पास, 3 हो गए थे ना, H हमारे पास 3 हो गए थे, और O भी, तो CHO, H एक इधर चला गया था इस पोजीशन पे आ गया था, और O भी एक इस पोजीशन पे आ गया था, तो हमारे पास H कितने बचे थे, 2, क्योंकि H तो एक इधर आ गया था ना हमारा, तो H कितने बचे थे, 2, और O एक इस पोजीशन पे आ गया था, तो O H2O। अब बचे कितने, एक एक बचा था, तो आ जाएगा 2H2O, ये तो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसका सेकंड स्टेप देख लीजिएगा,
सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इसकी क्रिया, टोटल की क्रिया आपको करानी है हाइड्रोजन की उपस्थिति में, जिसपे एक धनायन हमारा होगा, तब क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ये सेकंड स्टेप है, तब बनेगा हमारे पास, ये तो यहीं पर रहेगा OH, ठीक है, और ये इस पोजीशन पर आएगा CHO, जिसे एल्डिहाइड बोलते हैं। अब ये जो हमारा बना है, ये जो बना है, ये बना है सेल एल्डिहाइड, क्या बना है ऑर्थो पोजीशन पे, सेल एल्डिहाइड, सेल एल्डिहाइड, ये बना हमारा सेल एल्डिहाइड। तो इसका नाम लिख सकते हैं आपका, ये क्या था, फिनॉल था, ये था क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आप सही से लिखिएगा, ठीक है, सही से लिखेंगे आप, थोड़ा नीचे होकर लिखिएगा, हमें ध्यान नहीं रहा। ये रहेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो बन गया हमारा, ये बन गया सेल एल्डिहाइड। यहाँ पे लिख सकते हैं नमक आप, ये नमक होता है और ये होता है जल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक बार और देख लीजिएगा, देखिए जब फिनॉल की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। अब देखिए OH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिनॉल की क्रिया करा रहे हैं हम किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से, तो क्या बनना है CHO। अब देखिए CH, एक चीज देखिए CH, ये हमारा इस पोजीशन पे आ गया था और एक O यहाँ से निकला था, वो भी इस पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ पे Na और H बचा था, तो हमने वो लिखा H2, क्योंकि यहाँ पे संतुलित करिए तो तीन लगाना पड़ेगा, तो तीन Na इधर हुए थे और तीन Na इधर हैं, H2, H कितने बचे थे, दो H बचे थे, क्योंकि तीन Na हो गए थे, तीन H हो गए थे, तो एक H इधर आ गया, तो दो H बचे, 2O, O भी एक बचा, ठीक है। उसके बाद इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराई, जिसमें एक धनायन स्थित है, तो फिनॉल बना और इस पे CHO वही पोजीशन पे रहा, और ऑर्थो पे बन गया सेल एल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन पे क्या बन गया, सेल एल्डिहाइड। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।